कलायत हलके से आजाद प्रत्याशी व पूर्व विधायक सत्येंद्र सिंह राणा के लिए वोट की अपील करने के लिए आज कलायत मुहाड़ के चबूतरे पर उत्तर प्रदेश से किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह पहुंचे। राजपूत समाज सहित 36 बिरादरी के लोगों के बीच सत्येंद्र राणा को सम्मान की पगड़ी पहनाते हुए राणा को पूरा समर्थन देने की बात कही गई। वहीं राणा ने कहा कि ढुलखाप में तो मैं भी आता हूं, लेकिन जिसने ढुलखाप की बेटी को अपमानित किया उसका विरोध तो जायज है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? ढुलखाप की वोट मुझे भी मिलेगी। मेरी खाप कुछ नहीं, मेरी खाप तो छत्तीस बिरादरी है। छत्तीस बिरादरी में मैं रहता हूँ, छत्तीस बिरादरी की मैं बात उठाता हूँ। अरे कहते हैं कि मैं भागड़े का पानी ले, मैंने कहा एक गिलास पानी का मन पड़ा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि समस्त राजपूत समाज अगर सत्येंद्र राणा के साथ खड़ा हो जाए तो अन्य बिरादरी भी सत्येंद्र राणा के साथ खड़ी है। अगले विधायक कलायत के सत्येंद्र राणा होंगे। सत्येंद्र राणा जी नेता है, इसीलिए मैं इनके प्रचार में ही नहीं अपील करने के लिए आया कि लोग इन्हें उस सदन में भेजे जहाँ से ये गरीब मजदूर व्यापारी किसान की आवाज उठा। देखिए दोनों नेताओं ने पत्रकार वार्ता में क्या अपील की। देर नहीं लगी, बिल्कुल समय पर आया। बहुत अच्छा समय है, बहुत बढ़िया समय है, बहुत अच्छा माहौल है। बिल्कुल समय पर आया और समय ईश्वर अधीन है, इसलिए वो जब भी भेजता है जब उसकी आवश्यकता। संदेश जीत का, प्यार का, स्वाभिमान का, सम्मान का, जो हरियाणा के लोगों ने बहुत दिन से खोया उसे वापस दिलाने के लिए एक अपील करने के लिए कि आज़ाद भारत में आज़ाद समाज, ये पूरा देश जिन क्रांतिकारियों ने आज़ाद करवाया वो 7,32,000 लोगों से ऑन रिकॉर्ड जो फांसी पर चढ़े, आज आज़ाद भारत में ये कांग्रेस भाजपा ये कंपनी के रूप में काम करने वाली पार्टियां एक लिमिटेड कंपनी के रूप में काम कर रही। हमारा बस आग्रह है कि आने वाले समय में आज़ाद सरकार बने हिंदुस्तान में और आज़ाद लोगों की सरकार बने, क्रांतिकारी के अनुयायियों की सरकार। एक बार आप पहले भी आए होंगे राजपूत समाज का जो पंचायत, तो फिर क्या हुआ? राजपूत समाज एक जुटना होता तो भाजपा 400 पार जाती। भाजपा 400 पार इसीलिए तो नहीं गई कि राजपूत समाज एकजुट था, एकजुट है और हमेशा एकजुट रहे। बिल्कुल 100% तो मेरे कहने से पहले ही निकला रहा है, मैं तो आपने नंबर से बनाने में पूरी मान्यता है कि पूरे भारत वर्ष में आपने पाया। यहाँ एक महापंचायत हुई थी, बहुत से उम्मीदवार हैं, ये तमाम दावे करते हैं कि 360 मुदाटा में ये उम्मीदवार। अब पूर्ण सिंह आए स्पष्ट कर दे कौन सा आपका उम्मीदवार है 360 मुदाटा। सत्येंद्र राणा जी सबके टोटल 36 बिरादरी के विधायक, और ऐसा नहीं कि पूरण सिंह के कहने से विधायक है। पूरण सिंह से पहले दो बार विधायक रहे, ये जनता के विधायक है, हलके के विधायक हैं, और ऐसा नहीं कि एक हलके के, जहां से जिसने टिकट दिया वहां से जीत का है। ये नेता की खूबी है और नेता बनना बहुत बड़ी बात है। विधायक सांसद तो कोई भी बन जा, लेकिन नेता बनना बहुत बड़ी बात है। सत्येंद्र राणा जी नेता है, इसीलिए मैं इनके प्रचार में ही नहीं अपील करने के लिए आया कि लोग इन्हें उस सदन में भेजे जहाँ से ये गरीब मजदूर व्यापारी किसान की आवाज उठा। दो दिन तक राजपूत समाज के कुछ लोग नाराज हैं, क्या दो दिन में मना? राजपूत समाज के लोग नाराज नहीं है, वो तुम जान रहे हो यार, जब बिहार में सबसे पहले यही तो नाराज हो, मैं सांझ को फिर पछोरी मार रहे हैं, वहीं से सब ठीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी की रैली में योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं कलायत में, कहाँ तक देख सकते हैं? देखो महाराज जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उन्हें कोई ये कहे कि वो राजपूत समाज से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे, तो भारतीय जनता पार्टी। तो मैं तो एक सवाल ये करूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि सुरेश राणा जी, संगीत सोम जी, ब्रिजेश जी, योगी आदित्यनाथ जी, मैं सिर्फ एक सवाल करूं कि उस दिन कहां थे जिस दिन केथड़ में राजपूत समाज के लोगों पर लाठियां बरस रही थी? उस दिन कहां थे ये लोग जब हम सारी रात जेल में पड़े रहे? उस दिन कहां थे जब महापुरुषों का अपमान हो रहा था? मैं तो कहता यदि एक बार उस समय भी हिंदू हृदय सम्राट हरियाणा में हाजिर थे तो आज हरियाणा मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, इनके बात को कह के वोट देता। आ रहे वो उनका सम्मान है, लेकिन उनके कहे से हरियाणा में कोई वोट नहीं देगा। देखो राजपूत समाज की मैं बात नहीं करता, मैं कह रहा कि राजपूत समाज के साथ साथ 36 बिरादरी का पूर्ण समर्थन और सहयोग है, और ऐसी बात नहीं अगर मैं आया तो कुछ सोच समझ के आऊंगा, मैंने कुछ बहुत चीजों का पता करा होगा, तो सबका सहयोग सबका साथ है तो हम लोग आए, और इसका सबका मन है कि भाई सत्येंद्र राणा जी विधानसभा जावे और इस हलके की तरक्की के लिए काम करें।
खड़ू साहब तो उनसे वो लेके आए हैं सवर समाज के लिए, जो यहाँ बांटी जाएगी तो उनसे बबूत है वहाँ यूपी से लेके आए सर्व समाज के लिए। बबूती तो मैं महात्मा तो हूँ नहीं, नहीं महात्मा जी आ रहे हैं, वो महाराज जी जो आवेंगे ना, वो जो महाराज जी आवेंगे वो पूरे देश के महाराज जी हैं, वो बहुत बड़े पंथ के महाराज जी हैं। मैं तो छोटा सा भाई किसान नेता, किसान से मजदूर से व्यापारी से अपील करने के लिए आया कि एक मजबूत व्यक्ति को सदन में भेजो जो हमारी बात को मजबूती से कह सके। राजपूत समाज से हर एक कोई कहता है मेरा समर्थन कर दिया, मेरा समर्थन कर दिया, लेकिन समर्थन किसका किया पहले ये देखो। समर्थन ना, समर्थन क्या है कि समर्थन तो सब लोगों ने सत्येंद्र राणा जी का करा, ये आप भी देख रहे होंगे महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है यहाँ एक परंपरा है इस समाज की, राजपूत समाज की, अतिथि देवो भव है। यहाँ कोई आया तो उसका सम्मान होगा, वो चौंतरे पर जाकर वहाँ किसी को अपमानित नहीं करा जा सकता, वहाँ चौंतरे पर जाकर तो उसका सम्मान करें, उनका सम्मान है, लेकिन उनके लिए वोट कोई नहीं है। वोट तो सब लोगों ने पहले ही तय कर लिया कि वो सत्येंद्र राणा जी की है, नहीं देंगे, इन्हें विधानसभा इस बार भेज के मजबूती करेंगे हल्की। आज जो है मेरे लिए समाज के समाज की बात नहीं, ये आज हिंदुस्तान के किसान मजदूर गरीब आदमी के सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं, और इन्होंने हमेशा जैसे आपको बताया कि ये उन शहीदों को भी याद करते हैं कि जिनके परिवार शहीद हुए वो आज राजनीति में कहाँ क्या है। आज मेरे जैसे किसान का बेटा तो बहुत कम है, दादा लाई ला रखी है, 4 महीने पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और उसमें भी हमारे समाज ने सहयोग किया उसको, और अब जो है ये यहाँ पे आके पार्लियामेंट में MLA का चुनाव लड़ा और ऐसे भद्दे शब्द बोले, और एक बुजुर्ग था यहाँ अपना बुला चीका में उसको लात मार दी है, उसको पूछा भी दूसरे उसके बेटे को क्या इसके लात कैसे क्यों मार दी, कहने लगे भाई मेरा बाप भी बुजुर्ग सब बुजुर्ग बुजुर्ग को लात मार दी तो क्या। तो ऐसे राजनीतिक लोग जो है जिनका हंकार हो जाता है, राजनीतिक तौर पे हंकार है एक दिन का, ऐसे शब्द बोलना रोकने नहीं है, सब जी माताएं बहनें एक हैं, और वो भी जो ढुल खाप है वो हमारे समाज में से हमारी 10वीं 12वीं पीढ़ी में से निकल के आए हुए हैं। कल तक तो वो ये कह रहे थे कि भी हम जो है मढ़ार और एक हैं, और जयप्रकाश का यहाँ भाषण सुनाएगा 100 बार उस अपने भाषण में, कम से कम 100 बार उसने मढ़ार 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 कहा है, और वो जाके मढ़ार की जो ढुलों की बेटी के बारे में ऐसे शब्द बोले उसने, और उसका खमेजा मेरे को यूँ है कि मेरे को दुख इस बात का है कि जो समाज मेरे साथ था वो जो कहते थे भी सत्येंद्र भी हमारा भाई है, आज अमृतसर वाले वहाँ की जो खाप है वो आके यहाँ पर बैठ गई, गांव में दबाव डाल दिया कि भाई नहीं उसमें फोन मानता हूँ उसका विरोध करो, मगर ये तो नहीं हो सकता ना भाई कैसे एक तरफ फैसला होगा। तो भाई मेरी खाप कोशिश, मेरी खाप तो छत्तीस बरादरी में मैं रहता हूँ, छत्तीसगढ़ की मैं बात उठाता हूँ, 2 बार MLA बनाया और मेरे काम के नाते काम मेरे काम की वजह से भी लोग मेरे को प्यार करते हैं, और भाई मेरे को राजनीतिक तौर पे ये मेरे साथ बात हुई है, ये पता था उनको कि भाई सत्येंद्र राणा यहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी का भी पता था, मगर किस दबाव में आके कैसे किया है तो ये एक राजनीति के तहत उस चीज़ का है। मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा परिवार, मेरा भाईचारा, मेरे जो है मैंने जो है ये खुद वहाँ से इतनी दूर से मेरे को यहाँ पे जो है भाई को ये वोट के लिए, ये कभी वोट के लिए जाते नहीं कहीं भी, ये तो हमेशा देश के अंदर किसानों की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी सबकी लड़ाई लड़ते हैं, ये जो है पहली बार जैसे इन्होंने बताया कि पहली बार हुआ कि इनको इसलिए आना पड़ा कि ये जो खापे हैं ये एक आदमी की गलती से सारे कैंडिडेटों का अगर पूछा तो ये देश जा कहाँ रहा है, यहाँ का नौजवान क्या आगे सोचेगा क्या करेगा, तो ये उन चीज़ों को रोकने के लिए हम ये कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये चुनाव तो कुछ टाइम का होता है, अपना भाईचारा बना के रखें, छत्तीस बरादरी को साथ रखें, गरीब आदमी इतना डरा हुआ है आज के टाइम में, आज वो कहते हैं कि हमारे को कोई जगह नहीं है वोट पाने की, तो भाई मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, तो ये जो है अहंकार है
ये जो है जिस तरह से कोई नरवाना से आके लड़ रहा है, कोई कहीं से, अरे इनको तो तीनों चारों को देख लिया, नौ में रामपाल माजरा बना दे, मेरे को एक काम भी गिना दे। 2014 में जयप्रकाश ने श्रीराम सरकार थी बीजेपी की, अगर आजाद था तो आजाद में शामिल होके और काम कराता, उसने सब कुछ लोगों का कि नहीं मेरी सरकार में हिस्सेदारी नहीं। 19 में 94% वोट जो है राजपूतों ने दिए कमलेश डांडा को, और एक काम भी गिना दे। ये कहते हैं कि मैं भाखड़े का पानी ले, मैंने कहा एक गिलास पानी का मैंने पिला दे जो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये जो इस तरह की बातें हैं राजनीति को गुमराह करना, 3 कॉलेज बना दिए, अरे जो कॉलेज थे उनके नाम जो है वो सरकार ने पहले भी अंडरटेकिंग थे, उनके 90% ग्रांट तो पहले मिलती थी उनको, मतलब के हर तरह से राजौंद में जो घोषणा 2014 में थी कॉलेज की, बच्चियां स्कूल के अंदर क्लासें लगवाती, बाहर पेपर देने जाती हैं। आज जो है सड़कों का बुरा हाल है, राजौंद की जाकर सड़क देखो क्या हाल है वहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे जब बारिश हो जाए तो नहर के बीच में निकल के जाते हैं। कितने काम गिना दूँ, मास्टर स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, भाई पीने के पानी की इस इलाके में व्यवस्था ही नहीं है। पीने के पानी के लिए आज भी टोकरियाँ लेके 5-3 दिन 2-2-4-4 किलोमीटर में जाके पानी भर के लाती हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज तरफ तो आप कहते 10 साल के राज में इन, मैं तो कहता हूँ 2005 में मेरे 9 के बाद मैंने एक ईंट भी, मेरा आज भी इलाका देखो, मेरे जो गांव था उसने राजन के कर दी, मैंने राजौंद बनाया था, एक फिर दोबारा इन्होंने राजौंद बना दिया। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि आज जो है ये जो भ्रष्टाचारी सिस्टम पोर्टल का और उसका जो 5 साल तो इस खट्टर सरकार ने लोगों का बेवकूफ़ बना के पेपर उठाए रखे, सारी चीज कर रखी, इसमें बदलाव लाएंगे। आज जो है जगह जगह चलान हो रहे, ओचो हो रहे, लोगों को लूटा जा रहा है, सरकार के लिए ही लोग कमा रहे हैं, सरकार हर तरह से टैक्स लगा के उनके वसूली करी जा रही है, महंगाई इतनी हो गई है, तो ये सारी चीजों से एक लोग बदलाव चाहते हैं, नौजवान बदलाव चाहता है, तो बदलाव करेंगे। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, तो उस जो 6 दावेदार है ना उनको ये भी पता है कि मैंने पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़ा था, मैंने 18 दिन में 38,700 वोट ली थी, तो वो उन्हें ये भी पता होना चाहिए उस समाज में मेरी वोट भी है, मैं कोई राजनीतिक तौर पे नहीं है। वो जो है वोटे उनको ये पूछे कि तुम्हें गरीब आदमी कहाँ से वोट देगा, जो आज डरा हुआ है इस बात के लिए कि भी हम करें तो जाएंगे तो जाए कहाँ। सर जी 66 के 66 गांव में हम घूमते हैं, 36 बिरादरी में आप अपनी उंगली नहीं उठाता के बोलते हैं भाई बहुत बहुत बढ़िया नेता है, फिर भाई आपका समाज क्यों नहीं मानता इस चीज़ को? जब देखिए बात यह है, मैं ये नहीं कहता अभी वोट मांगे, मांग सारे सब मान गए हैं, सारी बात है, जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत का मतलब ये है, मैंने अभी तो समझना चाहिए। ये नहीं, मैं सुनी बड़ी बात ऐसा था कि ये जो पहले यहाँ की जो समाज हरियाणा के थे ये इकट्ठे हो रहे थे, भी पार्टियाँ टिकट नहीं देती, कांग्रेस ने एक टिकट दी, बीजेपी ने 2 दी, संजय सिंह जो है वहाँ सोना से MLA था मंत्री था, उसकी टिकट काट के उसको नू भेज दिया ताकि हारे जाके वहाँ पे, एक शाम सिंह राणा को एक टिकट ही समझो एक टिकट ही मिली है। पार्टियाँ ने तो ऐसा काम कर दिया कि भी इनका तो राजपूतों को अस्तित्व भी खत्म कर दिया, कहीं मतलब वो है नहीं, खड़े नहीं है, तो इस वजह हम जो है यहाँ पे अपने राजनीतिक तौर पे हम जो है आज आजाद उम्मीदवार के तौर पे आया हूँ लोगों का। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 5 अक्टूबर को आपका भाईचारा बनाते हुए किसी से भी द्वेष न करें, और एक एक वोट जो है काम जो है इसके अलमारी का निशान है भाई, अलमारी के सामने वाला बटन दबा दियो, और भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इब कहीं आपस में लड़ते रहेंगे, जो 6 बता रहे ना 6-7 हैं इनकी तो बोटे बटी बटाई है, मेरी बोटी तो 100 लड़ है। आज इन्होंने अपना आप ही कर दिया, जो नॉन जाट वर्कर वोट है ना वो सारे सतविंदर राणा में पड़ेंगे। ये मैं राणा जी डूर साहब का नियंत्रण कहते हैं, आप भी डूर साहब में आते हैं तो डूर साहब में क्यों नहीं जाते राणा जी, पंचायत में जो पहला लेख है वहाँ भी? यार मैंने कहा है कि मैंने उनसे यही बात कही कि हम ठीक फैसला, वहाँ एक बुजुर्ग ने खड़ा होकर कह भी है कि भाई जुड़नों में अगर ये बात है तो सत्येंद्र राणा भी तो डरा है, उसके बाद उसका क्यों नहीं मतलब आप करते, तो उन्होंने कहा जी कोई नहीं हम सोचेंगे।